2024 लोकसभा का चुनाव मुकेश सहनी खुद नहीं लड़ेंगे तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जो 3 सीट उन्हें तेजस्वी यादव की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से दी गई है उन 3 सीट पर वो किसे लड़वाएंगे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। लगातार बिहार की राजनीति में ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि 2024 लोकसभा का चुनाव मुकेश सहनी भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब मुकेश सहनी ने इसे साफ इनकार कर दिया है। वहीं 3 सीट के मालिक मुकेश सहनी से जब सवाल किया गया कि अगर वो इन 3 सीट पर नहीं लड़ेंगे तो आखिर इन 3 सीट पर कौन लड़ेगा, तो दरअसल मुकेश सहनी ने इसको लेकर भी अब सारी बातें जो हैं वो कह दी हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि सभी 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सहनी ने कहा है कि इस बार न तो वो खुद लोकसभा का चुनाव के मैदान उतरेंगे, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य इलेक्शन लड़ेगा। महागठबंधन में उन्हें बिहार में जो 3 सीटें मिली हैं वीआईपी के कार्यकर्ताओं को ही कैंडिडेट को बनाया जाएगा। आरजेडी ने वीआईपी को अपने कोटे के मोतिहारी और गोपालगंज की सीटें दी हैं। इन 3 लोकसभा से सहनी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषित नहीं की है। मुकेश सहनी से जब सवाल किया गया कि वे सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, अगर खुद चुनाव लड़ेंगे तो व्यस्त हो जाएंगे, ऐसे में कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है। सहनी आगे कहते हैं कि आरजेडी से उनका गठबंधन 25 बिहार विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, मिलकर राज्य में राज्य सरकार बनाएंगे। वो आगे कहते हैं कि एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी वो लड़ते रहेंगे। एक तरफ जहां वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की, मुलाकात माले कार्यालय में हुई। इस मौके पर वीआईपी के उपप्रदेश उपाध्यक्ष ऋतु राज पांडे भी मौजूद रहे। देव ज्योति ने बताया मुलाकात जो है वो काफी अच्छी रही। महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर सभी सीटों पर एनडीए को हराएंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल होने के बाद मुकेश सहनी की वीआईपी अलायंस में शामिल हुई है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहनी ने इसकी जानकारी दी। आरजेडी ने सहनी को अपने 3 कोटे की सीट देकर भरोसा जताया है। इससे पहले सहनी ने एनडीए जाने का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी से उनकी बात नहीं बन पाई और अब मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं या फिर पार्टी के कोई मेंबर जो हैं वो इन 3 सीट पर खड़े होंगे, लेकिन मुकेश सहनी उनके परिवार वालों से कोई इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने वाला है। वो महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।